हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दिस इज गौरव शर्मा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वेक्टर्स एंड 3D। ठीक है, हमको 2 घंटे में ये चैप्टर पूरा निपटाना है। ठीक है, तो 2 घंटे में इसको पूरी तरह से कवर करना तो थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, बट हमारे लिए क्या मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग वैसे तो फंडा ये होना चाहिए कि हमको पूरा डीप में इसको पढ़ना है विथ एवरी प्रूफ। ठीक है, कुछ जो भी बात लिख रहे हैं उसके प्रूफ के साथ हमें इसे डीप में पढ़ना चाहिए। बट अभी फिलहाल के लिए हम ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, थोड़े थोड़े से प्रूफ स्किप भी करेंगे। ठीक है, सो दैट कि हम इसे पूरा कवर कर पाएँ और जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, जेई मेन 2019 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वैक्टर्स से। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे लाइक वैक्टर्स। ठीक है, अपनी राइटिंग बहुत बेकार है यार, प्लीज़ माफ़ करना। ठीक है, सो वेक्टर्स में यार हमको पता है ना, कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स में अगर इन्वेंट हुई है तो हमेशा ज़रूरत के हिसाब से इन्वेंट हुई है। ठीक है, मैथ्स के इन्वेंट होने के कारण, प्रगति के कारण हमारा पूरा अभी का जो वर्ल्ड है, करंट जो सिनेरियो है, वो इतना तरक्की कर सका है। ठीक है, ये सैटेलाइट नहीं बन पाते अगर हमारी कई सारी मैथमेटिक्स इन्वेंट नहीं होती। ठीक है, मतलब जो भी अभी बना है मैथमेटिक्स का, उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है पक्का, और साइंटिस्ट और बाकी सभी लोगों का तो है ही, एवरीवन जिसने उसके लिए एफर्ट डाला है, सभी का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हम सब उधार में हैं इतने सारे लोगों के जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, जिनकी वजह से हम ये इतनी अच्छी आज की लाइफ स्टाइल हम अपना पा रहे हैं। ठीक है, शर्ट पहन पा रहे हैं, मैं आपको वीडियो बना पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स हमेशा मतलब किसी ना किसी एप्लीकेशन से इन्वेंट हुआ है। तो वेक्टर में, वेक्टर किस एप्लीकेशन से इन्वेंट हुआ है, कि कौन सी बात को देखकर इन्वेंट हुआ है। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन होती है मैथ्स की हमेशा। ठीक है, तो अब देखिए कि शुरुआत में क्या होता था, कि हम सिर्फ जिन की मैग्नीट्यूड होता था जिन चीज़ों में, सिर्फ उनका उनके उनके उनको पढ़ते थे डिटेल में। ठीक है, लाइक हमने पढ़ लिया वेट, मास, वेट तो वैक्टर हुआ। सो जिन क्वान्टिटियों में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस की भी जरूरत थी, वहां पर हमें वेक्टर की नीड की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो वेक्टर की वैसे डेफिनेशन क्या है? वेक्टर की डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एंड एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ता है, विच फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, जैसे ना करंट एक क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो हम इसे वेक्टर नहीं बोलते, टेंसर बोल देते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में आप ऐसे ध्यान रखिए कि वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, वो वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर की हम जरा नोटिफिकेशन लिख लें। ठीक है, वेक्टर दिखने में कैसा होता है? हमारा वेक्टर भाई ऐसा होता है कुछ। ठीक है, ऐसे एरो मार्क लगा देते हैं। ठीक है, कि भाई हाँ, इसमें डायरेक्शन भी है। ठीक है, इसका एक तो ये मॉड ए लिखते हैं और यहाँ पे ए कैप लिखते हैं। ठीक है, तो मॉड ए का क्या मतलब होता है? मॉड ए का मतलब होता है ये मैग्नीट्यूड को बताता है, और ए कैप किसको बताता है? ए कैप बताता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इस डायरेक्शन में एक कदम चलने को बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे एक्स डायरेक्शन में है ना, जैसे हमें पता है कि यार जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, हमको पता है कि एक्स डायरेक्शन में एक कदम चलने को हम क्या बोलते हैं? एक्स डायरेक्शन में एक कदम चलने को हम बोलते हैं आई कैप। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में एक कदम चलने को क्या बोलते हैं? जे कैप। और जेड डायरेक्शन में एक कदम चलने को क्या बोलते हैं? के कैप, है ना। व्हाट डज दिस मीन? कि एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। यूनिट वेक्टर मतलब उस डायरेक्शन में एक यूनिट। ठीक है, जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर को ना हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। किसी भी वेक्टर में देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर जो कि उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। पक्का समझ में आ रहा है भाई? सही है, जो हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, राहुल, वीना, नेहा, प्रमोद, सुमित, भाई समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ए वेक्टर हमारा, हम उसे हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अच्छा बताओ, अगर कभी भी हमें कोई वेक्टर हमें गिवन है और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो यार यहीं से दिख रहा है ना हमें कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? यूनिट वैक्टर निकल जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो किसी भी वैक्टर का यूनिट वैक्टर निकालना है तो उस वैक्टर को उसके यूनिट मैग्नीट्यूड से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम यार
ठीक है, हम थोड़ा सा मिक्स करके पॉइंट्स को लेंगे. बिल्कुल बहुत सीरियली सीक्वेंशियली हम नहीं जा सकते बिकॉज वी हैव अ टाइम, हमारी लिमिट है. ठीक है, बट आप चिंता मत कीजिए, एक एक पॉइंट हमारा क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा पक्का 100%. ठीक है, तो आप देखो अभी हमने एक आपके एक और शब्द आपने सुना होगा, पोजिशन वैक्टर. ठीक है, पोजिशन, जैसे पोजिशन हमेशा, पोजिशन क्या चीज़ होती है, पोजिशन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होती है ना, कोई भी रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना. जैसे हम बोले लाल किला की पोजीशन क्या है, ठीक है जी, लाल किला अर्थ के ऊपर है. ठीक है, ऐसे थोड़ी ना, मतलब ऐसे बोलेंगे कि लाल किला दिल्ली में कहाँ पे है, साउथ में है, नॉर्थ में है, किसी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे ना किसी चीज़ के. ठीक है, तो सिमिलरली पोजीशन हमेशा किसी रेफरेंस में होती है. जैसे मैं कहाँ खड़ा हूँ, अब मैं भाई मैं तो किसके रिस्पेक्ट में कहाँ पे खड़ा हूँ, कोई रेफरेंस पॉइंट होगा ना. जैसे यहाँ पे ना थोड़ी दूरी पे आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे दरवाजा है. ठीक है, तो मैं यहाँ दरवाजे से ऐसे ना लेफ्ट में खड़ा हूँ, कितने 2 मीटर लेफ्ट में खड़ा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है, अब आपको तो कुछ भी बोला, आपको दिख तो रहा नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो आप देखो पोजीशन हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होती है. तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई भी, जैसे हमारा कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड. ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स है ना, आपको पता ही है. ठीक है, तो हम अगर ओ से पी को मिला दें, ठीक है, तो हम ना ओ पी वैक्टर इज नोन एज पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी, है ना, पी पॉइंट का पोजिशन वैक्टर, इसे बोलते हैं ओपी वैक्टर. ठीक है, तो ओपी वैक्टर को हम लिखेंगे कैसे, ओपी वैक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कितने कदम चला, एक्स कदम. ठीक है, तो आई कैप के साथ हमने एक्स लिख दिया. वाई डायरेक्शन में कितने कदम चला, वाई कदम, तो जे कैप के साथ हमने वाई लिख दिया. ऐसी जेड डायरेक्शन में जेड कदम, और के कैप हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, जेड के साथ. अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा कि ओपी की लेंथ कितनी है, तो ओपी की लेंथ हमें यार पता है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं हम, सिंपल है. तो लिख लिया भाई, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, तो जैसे हम बोल लेते ना कि ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए से यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, तो आप सोचो कि मान लिया हमें ए वेक्टर कुछ ऐसे दिया हुआ है, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, तो ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकाल लेंगे यार हम, इसी वेक्टर को, ठीक है, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर द रूट ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर. सिंपल है ना यार, तो किसी यूनिट वेक्टर में ऐसे कैप लगा देते हैं. ठीक है, वो वाली कैप नहीं, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का ये ऐसे निकालते हैं, हमें पता है बहुत सिंपल सी बात है. ठीक है, तो ये बेसिक सी बात आपको पता लगी. ठीक है, तो इसके बाद ये मोस्ट बेसिक चीजें हैं वेक्टर की. ठीक है, ये हम सबको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहली चीज हमारी ये आती है, ऐसे बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. ठीक है, तो वेक्टर में यार कई सारे लॉ ऑफ एडिशन होते हैं, लाइक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, सारे निकलते एक ही से हैं, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से. ठीक है, तो इससे पहले हमने एक छोटी सी बात समझी कि मैथ्स में ना यार जो भी वैक्टर होता है वो सारे के सारे वैक्टर फ्री वैक्टर्स होते हैं, है ना. मैथ्स में एवरी वैक्टर इज कंसिडर्ड एज फ्री वैक्टर. अब ये फ्री वैक्टर का मतलब क्या है, मतलब जैसे ना यहाँ पे ए बी वैक्टर है, इसको उठा के इसके पैरेलली मैं कहीं पर भी लिख दूँ. ठीक है, इसके पैरेलल कहीं पर भी ले लूं, ले जाऊं मैं इसे. ठीक है, तो कोई फंडा, कोई चक्कर नहीं है. ठीक है, तो इसकी लोकेशन चेंज करने से अगर कोई इफेक्ट नहीं आता सिस्टम में, तो उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर. ठीक है, जैसे एक होता है लोकलाइज्ड वेक्टर. ठीक है, जैसे ना आप देखो फोर्स वेक्टर है ना, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं. लाइक हमारे पास एक बॉटल है. ठीक है, तो इस बॉटल में अगर हम फोर्स लगाते हैं ऊपर से, तो ये नीचे को जा रही है, नीचे से फोर्स लगा रहे हैं तो भाई ये नीचे को जा रही है ना. ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये दूसरी डायरेक्शन में नीचे को जा रही है, नीचे से फोर्स लगा रहे हैं तो ये दूसरी डायरेक्शन में नीचे को जा रही है. मतलब फोर्स लगाने से हमारा क्या हुआ कि अलग अलग फोर्स की अगर हमने लोकेशन चेंज करी तो उसका इफेक्ट अलग अलग हुआ. ठीक है, तो ये लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया फोर्स. ठीक है, अब ये हाथ में लिया है तो पानी पी लेते हैं यार थोड़ा सा. ठीक है, तो
क्या समझा हमने, फोर्स लगाने से इफेक्ट अलग अलग हुआ अगर हमने अलग अलग लोकेशन पे लगे, तो फोर्स इज नॉट अ फ्री वेक्टर, ठीक है। तो मैथ्स में हमें इसको यूज भी नहीं करना अभी, है ना, मैथ्स में एवरी वेक्टर इज कंसीडर्ड एज फ्री वेक्टर। तो जैसे फ्री वेक्टर क्या हुआ, फ्री वेक्टर हुआ हमारा वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर जैसे ना आप ऐसे देखो यार, ये ना ये एक चीज है, इसकी वेलोसिटी, इसकी हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, चाहे वो इस पॉइंट की ले लो चाहे इस पॉइंट की ले लो, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना इस, अगर ये यहाँ पे इस वेलोसिटी से जा रहा है तो यहाँ पर भी इसी वेलोसिटी से जा रहा होगा, मतलब अगर हम भेज रहे होंगे तो, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर है ना हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सब हमारे क्या है, फ्री वेक्टर है, ठीक है, ऐसे समझा, ठीक है। तो मैथ्स में एवरी वेक्टर इज कंसीडर्ड एज फ्री वेक्टर, रिमेंबर दिस, ठीक है। मतलब इसको उठा के आप पैरेलली कहीं पर भी रख सकते हो इसके सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। चलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में सबसे पहले आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, है ना। थोड़े आलसी हम तो ऐसे इक्वल इक्वल वाले साइन डाल देंगे यार, है ना, आप समझ जाना लिखना क्या है ज्यादा, ठीक है। तो आप देखो जैसे ना हमें मान लिया ये कोई जगह है, हमें यहाँ पर जाना है, इसको बोलते हैं सी, ठीक है, चर्च जाना है हमें, ठीक है, है ना, शांति मिलती है ना यार, मंदिर जाके, चर्च जाके, गुरुद्वारे जाके, मस्जिद जाके, ठीक है, अच्छी बात है जाना वहाँ पे, ठीक है। तो मान लिया हमको चर्च जाना है, तो हम किसी शहर में नए नए आए हैं, तो हमको ना किसी ने पहले मतलब हमने जो है रॉन्ग डायरेक्शन ले ली, कि भाई पहले हम ए से बी गए फिर हम बी से सी चले गए, ठीक है, ए से बी गए फिर बी से सी चले गए चर्च जाने के लिए, ठीक है। बी मतलब पहले कहीं और भटक गए, हम भटक गए, ठीक है, ए से हमें चर्च जाना था। अब हमने फिर देखा यार चर्च यार ये तो सामने ही है, ठीक है, हम अगर ए से सी चले जाते तो भी हम चर्च पहुंच जाते, तो पहले हम ए से बी गए, बी से सी गए, फिर हमने सोचा ए से सी चले जाते, वो शॉर्टेस्ट रूट पड़ता हमें, ठीक है। तो यही होता है बस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो चर्च जाते जाते आपने इन्वेंट भी कर दिया, क्या कहता है कि आप ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, इससे अच्छा है कि ये इक्विवेलेंट है कि आप ए से डायरेक्टली सी चले जाओ, समझ रहे हो आप, सिंपल सी बात है यार, ठीक है, ए से बी जाओ, बी से सी जाओ, इट इज इक्विवेलेंट टू आप ए से सी चले जाओ, ठीक है, यही होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, चर्च जाना, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो इसी लॉ से हमारे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, उसको भी देखते हैं। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लाइक आपका ये कोई साइड है लाइक ए बी, ये है कोई ए सी, ठीक है, आप ऐसे ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कहता है कि यार ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर विल गिव्स द डायगनल वैक्टर ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, मतलब ये ना आपका इसको डी मान लीजिए, ये ए डी वैक्टर के इक्वल होगा, है ना। तो आपकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स हैं उनके वेक्टर्स को अगर आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, एसी वेक्टर प्लस एबी वेक्टर, तो ये आपका एडी वेक्टर के इक्वल होगा। क्यों होगा, बहुत सिंपल है, जैसे हम अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो आपको पता है यार एबी को पैरेलली उठा के मैं एबी पैरेललोग्राम है तो ये इक्वल होंगी, है ना, और ये साथ में इनकी डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, तो सीडी वेक्टर should be equal to AB vector, ये AB vector के equal होगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा था ना, वही तो है ये triangle law of vector addition, चर्च जाना, A से C गए फिर C से D गए, मतलब AC vector plus C से D जाना मतलब AB vector must be equal to कि A से D चले गए directly, ठीक है। तो यही तो होता है parallelogram law of vector addition, कि दो adjacent sides के vectors का sum आपके diagonals दे देता है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली आप ना पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी देख सकते हो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। अपने ऐसे देखो यार कि कोई भी पॉइंट है A1, A1 से आप गए A2, ठीक है, A2 से आप गए A3, A3 से आप गए A4, ठीक है, ऐसे ही चलते जाओ, लास्ट में आप पहुंच गए An-1 से आप चले गए An, ठीक है। तो आपने देखा यार A1 से A2 गया, ठीक है, मतलब वो गाना याद है, दिल्ली से गई पूना, है ना, पूना से गई, है ना, हाँ, तो A2 से A3 गए, ठीक है। सिमिल आप लास्ट में चले गए An-1 से An तक, फिर आपने नोटिस किया यार इतना क्यों घूमे, इससे अच्छा हम डायरेक्टली
A1 से AN चले जाते, ठीक है, मतलब ये वाला रूट अपना लेते तो काम हो जाता, तो इट इज इक्वल टू A1 AN वेक्टर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखा कि हमारा जिस भी पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उस पाथ के सभी इंडिविजुअल वेक्टर्स का जो सम है वो फाइनली रिजल्टेंट जो आपको है ना लास्ट में उस फाइनल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में चले जाओ उस वेक्टर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। बस ऐसे ध्यान दिया, ऐसे कोई ज्यादा भी ऐसे दिमाग में प्रेशर डालने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी ये बात याद रखो कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही सब कुछ आया है, ठीक है, तो ध्यान रखा ऐसे। आगे बढ़ते हैं। सो आगे आपकी कुछ और बेसिक सी चीज़ें आती हैं, लाइक कुछ बेसिक डेफिनेशंस आती हैं ना, लाइक सबसे पहले हमने पढ़ लिया एक बात होती है कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर मैथ्स में सेम ही चीज़ है, ठीक है ना, हमेशा ये कन्फ्यूजन कभी कभी बना रहता है, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया कि ए बी है ना, ये बी सी है, तो ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर कोलिनियर वैक्टर है, ठीक है। सिमिलरली अगर ये BC यहां पर भी होता ना, मान लिया कुछ और है यहां पे DE है, तो DE वेक्टर भी इनके साथ कोलिनियर है अगर वो इनके पैरेलल है, ठीक है। अगर एंटी पैरेलल भी है ना, वैसे तो मैथ्स में ये एंटी पैरेलल वाली बात नहीं है, मतलब अगर वो इस डायरेक्शन में भी मैथ्स में पैरेलल है, ठीक, कोलिनियर है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको भी कुछ नाम दे दिया, लाइक आपने नाम दे दिया FG, ठीक है। तो FG वेक्टर भी अगर इनकी पैरेलल है और डायरेक्शन ऐसी है तो वो भी इनके साथ क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर वेक्टर मैथ्स में क्या होता है, पैरेलल वेक्टर और है ना, इवन दे कैन बी इन द सेम लाइन आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे कोलिनियर वर्ड मतलब लाइन वाली कोई ऐसा वर्ड की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज मैथ्स में हमें पता है एवरी वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखो कि कभी भी आपको दे रखा है कि ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर कोलिनियर, ठीक है, ये दोनों हमारे अगर कोलिनियर वैक्टर हैं तो आप देखो ये वाली बात हमेशा लागू होगी, ए विल बी ऑलवेज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, ठीक है। ऐसा क्यों, आप देखो यार, मान लिया ये ए बी है, ठीक है, तो इन दोनों में ना सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क होगा और कोई सी डी है, ठीक है। मान लिया ए बी इज अ डबल ऑफ सी डी, ठीक है, ए बी जो है वो डबल है सी डी का, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन तो सेम ही पैरेलल है ये एक दूसरे के, सिर्फ क्या अंतर क्या होगा इन दोनों में, इनमें मैग्नीट्यूड का अंतर होगा, ठीक है, कि ये डबल हो सकता है इक्वल हो सकता है, तब लैम्डा वन हो जाएगा, हो सकता है ये दूसरी डायरेक्शन में हो, जैसे मान लिया ई एफ है वो दूसरी डायरेक्शन में है, वो इसका आधा है, तो हमें ना माइनस है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा लैम्डा, क्या माइनस में समथिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड में फर्क होगा, ठीक है, और इवन माइनस से बस डायरेक्शन में फर्क हो सकता है, बट दे आर पैरेलल, ठीक है। तो कोलिनियर वैक्टर जो भी होंगे उनमें ये ध्यान रखा कि एक वेक्टर हमेशा दूसरे के सम, दिस इज सम कांस्टेंट और पैरामीटर यू कैन से है ना, कुछ कांस्टेंट टाइम मल्टीप्लिकेशन में होगा ना, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखा। सिमिलरली एक टर्म आती है कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा जल्दी पढ़ना होगा, ठीक है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स में हमें ऐसे पता होना चाहिए कि तीन वेक्टर अगर एक ही प्लेन में, ठीक है, प्लेन किसे कहते हैं, जैसे जिसपे हम लिख रहे हैं वो एक प्लेन है, ठीक है। वैसे प्लेन की डेफिनेशन मतलब ऐसे होती है कि अगर कोई भी दो पॉइंट ले रहे हैं तो उनकी लाइन ज्वाइनिंग हमेशा उसी पे हो, जैसे आप कटोरी पे दो पॉइंट ले लो तो लाइन ज्वाइनिंग हमेशा कटोरी पे नहीं होगी ना उन दोनों पॉइंट की, है ना। लेकिन कोई प्लेन है, प्लेन में आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, एक सरफेस है, तो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग उसी सरफेस पे लाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी दो वैक्टर हैं अगर वो कोप्लेनर है, ठीक है, दो वैक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, है ना। तो हमें आप एक छोटी सी बात हमने पढ़ी, अगर कोई तीन वेक्टर है, आर वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर ये कोप्लेनर हैं तो आप आर वेक्टर को हमेशा दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, ठीक है। लाइक आप ऐसे लिख सकते हो हमेशा एक्स ए सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर प्लस सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, ठीक है, ध्यान रखा ऐसे, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके तीन कोप्लेनर वेक्टर हैं, ठीक है, आर ए एंड बी, तो आप R को हमेशा ऐसे लिख सकते हो एक्स ए प्लस वाई बी, ठीक है, इसको ध्यान रखा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसी कुछ कुछ ऐसे जल्दी जल्दी से छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। ऐसी एक और बात होती है कि अगर कोई तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, कोई तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो कोई भी रैंडम वेक्टर R, ठीक है, विदाउट प्रूफ कर रहे हैं यार ये वाली बात है ना, लैक ऑफ टाइम वी हैव,
ठीक है, तो कोई भी तीन आपके नॉन कोप्लैनर वेक्टर हैं, तो आप आर वेक्टर को हमेशा ऐसे लिख सकते हो एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, है ना, कोई भी रैंडम वेक्टर, ठीक है, इट माइट बी कोप्लैनर विद एनी ऑफ टू, है ना, और इट माइट नॉट बी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो कोई भी रैंडम वेक्टर आर वेक्टर यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स, है ना, ये भी ध्यान रखा, ठीक है जी। एक और टर्म आती है हमारी जिसको हम बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो आपने यार 11th में ना लीनियर इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो जैसे ऐसे होता है ना 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, सिमिलरली लीनियर डिपेंडेंट वाली फंडा भी यहीं से आता है हमारा, लाइक अगर हम लीनियरली मतलब हम किसी नॉन जीरो कोफिशियंट्स के साथ दो वैक्टर्स को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कैसे भी लिख सकते हैं, तो उनको लीनियर डिपेंडेंट बोल देते हैं। मतलब क्या है, मतलब ना आप ऐसे समझो, इन जनरल ऐसे ना बहुत ज़्यादा डिटेल में डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, आप ऐसे समझिए कि हमारे कोई तीन वेक्टर हैं ए बी एंड सी, ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो एक्स वन ए वैक्टर एक्स टू बी वैक्टर एक्स थ्री सी वैक्टर इक्वल टू जीरो, ठीक है, इफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और ऑल आर नॉन जीरो, ठीक है, मतलब आर नॉट ऑल जीरोस, मतलब सभी के सभी जीरो नहीं है, उनमें से कोई एक है, एटलीस्ट एक है जो नॉन जीरो है, है ना, तो हम इन्हें बोलेंगे आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं, अदरवाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना। अगर ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जीरो हैं, मतलब और कोई एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, और अगर एटलीस्ट एक नॉन जीरो है तो अपन बोलेंगे ठीक है ना यार, हाँ ये लीनियरली डिपेंडेंट है। मतलब क्या लीनियरली डिपेंडेंट का, अपने ऐसे सोचो अगर ऐसे लिखा है 2x plus 3y, ठीक है, अगर हम y को इंक्रीज कर रहे हैं तो x उस पर लीनियरली डिपेंडेंट होके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वट एवर, ठीक है, मतलब x y के इंक्रीज होने से मतलब माइनस के 3/2 टाइम्स x उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है, उस पर लीनियरली डिपेंडेंट है, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, इसलिए लीनियरली बोलते हैं इसे, ठीक है, तो इस बात को हमने ध्यान रखा। तो हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, लाइक कोलीनियर वेक्टर कोप्लैनर वेक्टर, ठीक है, तो हमने ऐसे लिख लिया भाई कोलीनियर वेक्टर्स, ठीक है, थोड़ा जल्दी से कवर करते हैं ना, कोलीनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, तो मैथ्स में यार कोलीनियर और पैरेलल वेक्टर मतलब अलग अलग चीज़ नहीं है, बिकॉज वी नो मैथ्स में सभी वेक्टर क्या हैं, फ्री वेक्टर हैं, ठीक है, तो आप ऐसे समझो कि ऐसे लिखा है ए बी सी, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ऐसे पढ़ा था कि ए बी सी आर कोलीनियर अगर ये सभी एक ही लाइन पे हो, बट मैथ्स में ठीक है ना, ए बी एंड बी सी वैक्टर आर कोलीनियर वैक्टर, ठीक है, बट बी सी को उठा के तो हम कहीं भी रख सकते हैं ना, यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है, इसको कुछ और नाम दे दिया, ई डी दे दिया, ठीक है, एप्सिलॉन लग रहा है वो, तो ई डी वैक्टर एंड ए बी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर अगर ये इसके पैरेलल है, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में भी है, ठीक है, कुछ भी है एफ जी वैक्टर, तो भी ये क्या है, कोलीनियर वैक्टर है, बस माइनस आ जाएगा और क्या, ठीक है, तो कोलीनियर वेक्टर में हमको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, कौन सी बात ध्यान रखनी है, लाइक अगर हमें दे रखा है ए बराबर लैम्डा बी, ठीक है, स्पीड देख रहे हो आप, रेल की तरह आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो अगर हमारा ए बराबर लैम्डा बी लिखा हुआ है तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ये ए वैक्टर और बी वैक्टर क्या आपस में क्या होंगे, कोलीनियर होंगे, लैम्डा कोई कॉन्स्टेंट है, ठीक है, आप ऐसे बोलो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जीरो हो गया तो फिर ए वैक्टर जीरो हो जाएगा, ठीक है, गलत बात हो जाएगी, ठीक है, हाँ जी, तो कोई भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, बिकॉज वाई दिस इज कोलीनियर वेक्टर में ऐसा क्यों है, बिकॉज यार इनमें ना जैसे ए बी और बी सी में डायरेक्शन तो सेम ही है, ठीक है, बस अंतर क्या होगा, मैग्नीट्यूड का अंतर होगा, हो सकता है ए बी विल बी डेढ़ गुना ऑफ, है ना, 3/2 टाइम्स ऑफ बी सी वैक्टर, ठीक है, जैसे मान लिया ए बी जो है जी एफ के डबल है, ठीक है, मान लिया इसकी लेंथ है 1 यूनिट, इसकी लेंथ है 2 यूनिट, तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी वैक्टर इज लाइक 2 टाइम्स जी एफ वैक्टर, ऐसे बोलेंगे, वो माइनस भी लगाना पड़ेगा ना, बिकॉज इसकी डायरेक्शन, अच्छा जी एफ लिखा है ना हमने, अगर हम एफ जी लिखें तो हमें माइनस भी लगाना पड़ेगा, बिकॉज इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो याद क्या रखा कि कोई भी कोलीनियर वैक्टर है तो वो एक वैक्टर ए वैक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं ए वैक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वैक्टर, ठीक है, ध्यान रखो इसे। सेकेंड पॉइंट कोप्लैनर वैक्टर्स, ठीक है, वो भी यहीं लिख लेते हैं, कोप्लैनर, ठीक है, वेक्टर्स, ठीक है, माई राइटिंग इज एब्सोल्युटली बैड है ना, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट,
ठीक है यार मैडम नहीं सुधार पाई अब तो क्या सुधरेंगे, ठीक है। तो को प्लैनर वैक्टर्स हमें पता है यार, कोई भी वैक्टर अगर एक प्लेन में हो ना, दो वैक्टर तो हमेशा को प्लैनर है, ठीक है। जैसे दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर है, तीन पॉइंट को हमें प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही आता है हमारा को प्लैनर वैक्टर्स, ठीक है। तो को प्लैनर वैक्टर्स वो वैक्टर होते हैं जो एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। लाइक हमारा ए वैक्टर है, लाइक दूसरा हमारा बी वैक्टर है, और तीसरा हमारा इसी प्लेन में सी वैक्टर है, ठीक है। मतलब कहीं पर भी पड़े हुए हैं, ये एक प्लेन ही है बोर्ड, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये को प्लैनर है, ठीक है। मतलब एक वेक्टर को उठा के हमने चांद पे रख दिया वहां पे छत पे, ठीक है। वो इनके साथ मान लिया एक प्लेन में नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉन को प्लैनर वेक्टर है, सिंपल सी बात है। अभी के लिए हमें ध्यान क्या रखना है, ठीक है, बहुत जल्दी से हमें एक बात ध्यान क्या रखनी है कि कोई भी तीन वैक्टर है ना, मान लिया हमें दिया है कि कोई भी तीन वैक्टर है, आर वैक्टर, ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, इफ इट इज गिवन दे आर कोलिनियर, देन वी मस्ट वी कैन राइट आर एज अ एक्स ए प्लस वाई बी, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस आर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। मतलब आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर को ही क्यों, ए को लिख सकते हैं एक्स आर प्लस वाई बी, बी को लिख सकते हैं जिसको मन करे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखा कि कोई भी तीन कोप्लैनर वेक्टर हैं तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, ये एक्स वाई कोई कॉन्स्टेंट है, कोई नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो ऐसे करके हमने कोप्लैनर वेक्टर्स के बारे में ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखी जो कि यूज हो सकती है, ठीक है। वैसे तो एक और प्रॉपर्टी होती है, चलो उसको भी देख ही लेते हैं। लाइक हमारे कोई ए बी एंड सी तीन नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स हैं, ठीक है, और कोई भी आर कोई भी रैंडम वेक्टर है, मे बी कोप्लैनर विथ एनी ऑफ दीज टू और नॉट, वट एवर, कोई भी रैंडम वेक्टर है आर, देन आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स, ठीक है। कोप्लैनर हो वैसे तब भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, ठीक है। तो आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री नॉन कोप्लैनर वेक्टर्स, इसको ध्यान रखा, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो यूज हो सकती हैं, इन बातों को ध्यान रखा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।